हम लोग मेडिकल हॉस्टल की लड़कियाँ हैं, बेगम अजीज़ निशा ब्लॉक 1 हमारे साथ। हम लोग मैम यहाँ पे शिफ्ट हुई थी मई के महीने में और 2-3 महीने हो चुके हैं हमारे साथ। पिछले 3 महीने में बहुत सारे, मतलब कम से कम 20-30 केस मोलेस्टेशन के, हरासमेंट के, स्नैचिंग के रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि सुबह में, शाम में, दिन में, रात में, हर वक्त होता है, जो कि 15 साल का बच्चा से लेकर 40 साल का आदमी भी करता है। हमें पीछा करते हैं, हमें जब उन्हें मौका मिलता है उनके प्राइवेट पार्ट को पकड़ के उन्हें स्कूटी से गिरा देते हैं। अब क्या नाम है, उनके साथ हाथ जो वो कर पाते हैं उतने देर में वो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि हमारे लिए जो बैन हॉस्टल बनाए, तो बेसिकली हमारा हॉस्टल कुछ ऐसा है ना कि इस हॉस्टल में यहाँ गेट है और हमें 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है अपने कॉलेज। मगर हो ये भी सकता है कि जो हमारा हॉस्टल है उसके बगल में जो दीवार है उसे तोड़कर एक छोटा सा गेट बनाया जाए और उस गेट से, गेट से निकल के लड़कियाँ डायरेक्ट चली जाएंगी 4 कदम चल के अपने कॉलेज। तो हमारी ये डिमांड है कि उस गेट को खोला जाए, दीवार को तोड़कर वहाँ पे गेट बनाया जाए, जो कि 2 हफ्ते का काम है, तोड़कर वो गेट बना दें ताकि हम लड़कियाँ बिल्कुल सेफली 4 कदम चल के वहाँ चल जाएंगे। अब बात ये भी उठ के आ रही है कि हम वहाँ पे गेट खोलेंगे तो वहाँ भी क्या नाम है, सिक्योरिटी का तो क्या होगी। तो बात ये कि वो जो रोड है ना, वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला रोड है, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमम अगर कुछ हो सकता है तो स्नैचिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मगर वो जो रास्ता है ना सुनसान, जो हर वक्त सुनसान रहता है, वहाँ पे सब कुछ ही हो सकता है, मतलब पता है क्या क्या वहाँ पे हो सकता है और हो भी रहा है। अब इनका कहना है कि लड़कियाँ आकर बोले कि मेरे साथ हुआ है, तो ऐसा तो कोई करेगा नहीं ना, है ना। हम लोग सब मिलकर आकर बोल रहे हैं कि हमारे लिए गेट खोल, हमने वार्डन, प्रोवोस्ट, प्रॉक्टर, अगेंस्ट प्रॉक्टर, ईमेल, हमने हर जगह कर देख लिया, अब तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब तो वहाँ पे गार्ड भी नहीं बैठती, पेट्रोलिंग में नहीं होती। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर गेट खुले और गार्ड तो हो उस रास्ते पर, एक और रास्ता, मगर वहाँ पर गेट भी खुले, क्योंकि इसके अलावा कोई और हम हमारी डिमांड ही नहीं, बस हम गेट खुलवाना चाहते हैं। कॉलोनी में हमारे यहाँ बना हुआ है, नया हॉल बना था 1500 बेड का, तो एक्सक्लूसिवली इसको मेडिकल के लिए हम लोगों ने ईयरमार्क कर दिया था। लिहाजा ये आज डिमांड ये लोग लेके आए हैं कि वहाँ पे इनको सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं और पैदल चल के इनको लंबा आना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ इनको, कुछ लोगों ने 2 मरतबा परेशान किया। तो अब इनकी डिमांड ये है कि वो पीछे से दरवाज़ा उसका जो रोड दोहरा की तरफ जाती है हदीसन के अपोजिट, वहाँ पर एक गेट बनाया जाए। हालाँकि हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक सिक्योरिटी इशू होगा कि अगर हम पीछे से दरवाज़ा दे रहे हैं और बात चल रही है। तो लड़कियों का कहना है कि काफ़ी स्नैचिंग के मामले इनके साथ हुए हैं। काफ़ी नहीं है, 2-3 जो है, और इसमें हमने जो एक आध को फाइंड आउट किया है तो वो एक साइकिक केस निकला है, छेड़छाड़ जो भी एक इन्होंने बताया है। 3 मामले हमारे सामने आए हैं, 3 मामलों में जो अभी तक तफ्तीश की हम लोगों ने, उसमें से एक मामला जो है वो एक साइकेटिक लड़का था जो निकल के आया है। बाकी हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, वहाँ पर बहुत सख्त इंतजाम कर दिए हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ पे अब कोई दोबारा ऐसी कोई घटना ना। सर, क्या स्टूडेंट वाइस चांसलर से मुलाकात ज़्यादा नहीं? मेरी नॉलेज में जो ऑफिशियली हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके 3 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं और उसमें अभी हम छानबीन और कर रहे हैं और इसकी FIR कर दी गई है, पुलिस भी एक्शन में है।